16 दिसंबर की दोपहर को कहां था तू? मैं अपने ख्यालों में और महबूबा की बाहों में था। पायल तुम्हारी महबूबा थी? ये पायल से पूछिए। 13 दिसंबर की रात वो मेरे साथ क्या कर रही थी? फट गई ना, तेरी औकात तुझे अब पता चलेगी। उसके कत्ल के आरोप में तुझे मैं गिरफ्तार तो नहीं कर सकता क्योंकि तेरे ऊपर आरोप नहीं है। दोस्तों पिछले एपिसोड में मेरी और साहिबा की केमिस्ट्री देख के आप लोगों ने जो कहा है कि अगला एपिसोड उससे भी हॉट होना चाहिए, तो मैंने कहा उससे हॉट कौन है इस पृथ्वी लोक में जो उस हॉटनेस को पार कर सकता है। तो रवि गुप्ता भाई हमारे साथ इस वक्त आज के एपिसोड में मौजूद हैं। रवि भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खराब मिमिक्री के साथ शुरुआत करते हुए मर्डर मुबारक नाम की एक फिल्म है जिसका ट्रेलर देखने के इनको हमने आज यहाँ पे आमंत्रित किया है। क्राइम थ्रिलर्स के बारे में आपका क्या विचार है रवि भाई? मेरे लिए क्राइम जो है ना, चोरी डकैती छिनैती ये सब क्राइम नहीं है, ठीक है। मर्डर हो, लाश गाड़ी जाए प्रॉपर, टुकड़े मिले, ओके, ऐसी चीजें होती है तो उसको मैं क्राइम में मानता हूँ। और मर्डर कब करते हैं? मर्डर वाली बातें अभी मैं ऑन टीवी नहीं बताना चाहूंगा, पर मैंने देखे बहुत है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया, कुल्लू के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। आज के जमाने में इतने चिकने लौंडे मुझे देखने को मिलेंगे, इतना क्लीन शेव में कौन रहता है? मैं बता रहा हूं, ट्रेलर देखते हैं। जनरली रवि भाई यहाँ पे जो है खूबसूरत लड़कियां आके बैठती हैं, तो उनके टक्कर का दिखने के लिए मुझे ये सब हथकंडे करने पड़ते हैं, वरना मेरा तो शौक है आपकी जितनी दाढ़ी रखने का। दाढ़ी आ नहीं रही मतलब। हम मामले से भटक रहे हैं, मुझे ट्रेलर देखना शुरू किया जाए, इससे पहले हम लोग फालतू की बातें और करें और हमारा कॉन्ट्रैक्ट दांव पे आ जाए। द रॉयल दिल्ली क्लब Made of the British, for the British. ऐसे कैसी फैंसी रॉयल या किसी क्लब के आप मेंबर हैं? हाँ, रोटरी क्लब का मेंबर। आप तो इस टाइप के बहुत इवेंट करते हैं, इसे क्लब वाले इवेंट। मेरे शोज ऐसे ही होते हैं, इसमें अंकल आंटी के लोग आते हैं मेरे शो में और बोलते हैं कि मेरी मम्मी दादाजी बहुत बड़े फैन हैं। मैंने बोला अगले शो में लेके ना, बोले वो तो मर गए। ये चीजें होती हैं थोड़ी, मेरी फैन फॉलोइंग ऐसी है जो खत्म होने वाली है। इसमें कपूर लोलो जी आ चुकी हैं दोस्तों। कोई मुझे कहे आजा आजा हैंडसम, धड़के दिल बार बार टूम टटक टूम टूम टटक टूम टूम टटक टूम टूम टटक, मैं करता रहूंगा आगे बढ़ने के लिए। शायद आज भी कुछ ना बदलता अगर वो हादसा ना होता। आपके क्लब में एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। इस एक्सप्रेशन में देख के आपको किस पे सबसे ज्यादा शक आ रहा है कि कौन ओवर एक्टिंग ज्यादा कर रहा है? भाई ओवर एक्टिंग तो नहीं, यहाँ पे एक्ट्रेस सारे बेहतरीन है। हाँ, पर करिश्मा कपूर ही कातिल है क्योंकि शुरू से उनकी अदाएं कातिलाना थी। इंस्पेक्टर एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भवानी सिंह। ये मुझे लगता है कि इस पिक्चर में अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है रवि भाई आपका, तो ये रोल आप कर सकते थे। नहीं नहीं, क्यों? बहुत अभी पंकज सर सीखना पड़ेगा। अब इनको जो है ज्यादा साल नहीं, 20-25 साल ही हुआ है, मैं तो 7-8 साल से इंडस्ट्री में। मेरा हिसाब किताब नहीं बन पाएगा, आप कुछ भी मत बोल दीजिए। लियो से जान पहचान थी? फेक ही बात, जान पहचान थी आपकी। हरियाणवी टोन को डालने की कोशिश की गई है, देखिए ताकि ऑडियंस जो है अट्रैक्ट होगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी है इतना कम। ये पता लगाने की तनख्वाह तो आपको मिलती है इसी पिज़्ज़ा। देखिए भाई करिश्मा कपूर में अभी भी वही अंदाज है जो पक चिक पक राजा बाबू ने था। ये गन हमारी है, हमारे दादा ने इससे कई अंग्रेजों के गुप्तांग उड़ाए। अंग्रेजों के गुप्तांग उड़ाए, छोड़ दिए, कहना चाह रहे हैं ये। 15 मार्च को पिक्चर रिलीज हो रही है। 15 मार्च को तो वो मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं। अच्छा अगस्त में पड़ रहा है इस साल। ठीक कोई वो में आंखें डाल के फोन करते हैं। मेरा बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और आपने? हाँ ईशान तो भाई सीधा सीधा लड़का था, इसमें टिस्का के साथ मैं हूँ। रवि ये क्राइम थ्रिलर मूवी जितनी भी होती है आपको ऐसा लगता है कि उसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा योगदान? सारा योगदान म्यूजिक का है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पानी दे के पिला रहा हूँ एक सीन में कि रवि भाई कैसे हो, पानी पियो। हाँ भाई प्यास तो लगी थी। ये नॉर्मल सीन, अगर आप इसी में म्यूजिक डाल दें आप ये देखें सीन का इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों हम लोगों पे थोड़ा क्राइम थ्रिलर वाला वो लगाइए कलर ग्रेडिंग और लगाइए म्यूजिक अगले सीन में। रवि भाई पानी पीजिए। क्या हुआ?
सुबह जनता खाया था भैया, टक गया। बस यही है कट। और ज्यादा नहीं। दौड़ेगी। ओ लाश यार। भाई ये देखो, ये अब आया ना, ये देखो ये लाश वाश दिख जाए ऐसे कुछ, तब ना कंकाल वंकाल नर कंकाल। ये मुझे ऐसा ना, मतलब जैसे मैं एक चीज देखता हूँ जी, कि हम हमेशा बॉडी दिखाने से डरते हैं आजकल, कि कत्ल हो गया उसको हाथ पैर दिखा दिया गया ऐसे। इसमें थोड़ा दिखाया गया तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, ग्राफिक्स होने चाहिए। मतलब गोरी चीजें देखना पसंद है आपको? ये मैंने नहीं बोला, बॉडी दिखाने के मतलब डेड बॉडी का। अरे गोरी 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 जी ओ आर ई इसमें जो एक। अच्छा अच्छा, ओ गोरी वायलेंस ऊपर लिखा। अच्छा मुझे लगा वो अंग्रेजन की। ठीक ठीक कोई बात नहीं। एक मिनट, कुर्ता फाड़ दिया गया है, आप देख रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। लैला लैला चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ गया। ये भी रवीना जी का गाना है कि करिश्मा जी का गाना है? गोविंदा का है ये। अरे तो मुझे भी पता। म्यूजिक इज अप ऑन योर बेड। आपने मुझे बताया था कि ये इसमें पूरा क्लीन फिल्म है। लग रहा है कि पढ़ते हुए देख लिया ईशान को। मन लगा के सच्चाई यही है कि ज्यादातर ये देखें आप, आप क्लीन शेवन को आप जो है नकारात्मक दृष्टि से देख रहे थे, ये देखिए आप। तो ये मुछमुंडा थोड़ी है तुम्हारी तरह। मुछमुंडा कहीं तो एक जिन लोगों का मुछमुंडा शब्द का आज आप लोगों का साथ देसी क्लास है। हाँ, एक मनोज तिवारी जी का बहुत बढ़िया गाना है, घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोज ली, जब से चढ़ल व जवानी मुछमुंडा खोज ली। क्या याद दिला दी है यार, मुछमुंडा खोज ली है ना, दिला दी। आपका जो सिनेमा का जो वो है बहुत ही घटिया है। जानते हैं कई बार तो उनसे प्रेम करते हैं। और क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? सारा अली खान जी और विजय वर्मा जी का प्रेम प्रसंग और जो है आलिंगन। आगे देखो, तुम्हारा मन यही रुक गया। ऑर्डिनरी मेन वीमेन हमारे जैसे आपके जैसे। अरे ओ, एक मिनट, देखा क्या कहीं ना कहीं मेरी भविष्यवाणी नॉर्मली एक दो साल बाद होती थी, अभी भविष्यवाणी की अभी कैसे सही। और करिश्मा कपूर ही कातिल है। करिश्मा जी ने इतनी पिक्चरें करी कॉमेडी की, चाहे हीरो नंबर हो वन हो, कुली नंबर वन हो, कुली नंबर राजा बाबू, राजा बाबू, ये लोग आज तक उनको एक फिल्म में इनकी कमर में मछली डाल दी थी गोविंदा जी ने। साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल बहुत खूब। कमर में मछली डालते हैं, कमर में इनकी मछली डाल देते हैं, संगीत सीखने आते हैं ना। पहले मिलन की है अपनी पहली रात है, हमको तुमसे करनी कुछ जरूरी बात है, आओ आके चूम लो, प्यास ऐसे क्यों बढ़ाते हो। मैं थोड़ा पढ़ाई वाला ही ज्यादा करता था उस टाइम ना, मैं इतना नहीं कि भाई गाना रट लिया है। मीम्स देख देख के आदमी का दिमाग जो है मत कर। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, बीट कर देंगे। वो आदमी बेचारा जो लेटा हुआ है, हाँ तो उठ गया यार, अच्छा तो लग रहा था इतनी देर तक, तो उठा दिया, उसका मूड ही खराब हो गया जैसे कट बोला। फोटो देखिए आप करिश्मा जी की, आपने आप पता आपका डेविल लाइज इन द डिटेल नाम की कहावत सुनी है आपने कि नहीं? हाँ हाँ, डेविल की आंखों में डिटेल। नहीं नहीं, डेविल की आंखों में नहीं। हाँ ये कहावत है ना हमारे गाँव में बहुत चलती है, कोई बोलता है ए मार दूंगा साला, डेविल की आंखों में डिटेल, बहुत पुरानी कहावत है, हमारे गाँव से चली आ रही है। तो दोस्तों ट्रेलर हम लोगों ने दोनों ने देख लिया है, आप लोगों ने भी देख लिया हम लोगों के साथ। आप लोग अपने गैस कमेंट बॉक्स में चालू रख सकते हैं कि आपको कौन लगता है कातिल है। रवि भाई आपको क्या लगता है कौन कातिल है? मुझे लगता है इसमें कातिल वही है जिसने मर्डर किया है। क्या वो नहीं हो सकता जो आखिरी में गिरफ्तार होगा? तो अगर हमारी तरह आप भी जानना चाहते हैं कि असली में मर्डर किया किसने है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 15 मार्च को रिलीज होने वाली पिक्चर मर्डर मुबारक ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कृपया करके यहाँ पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, नेटफ्लिक्स इंडिया के पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।